Good morning, guys. Welcome to another episode of Stories with Shogata. Sunday morning, we are having our morning tea and coffee. So, what's the plan today? तो आज एक्चुअली सुबह उठे हैं अभी कुछ करने को है नहीं तो हम अभी वही सोच रहे हैं कि प्लान बन रहा है अभी तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तब तक कि आसपास कहाँ जा सकते हैं तब लेकिन रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे लेट्स सी कहीं पे तो चलते हैं तो स्टिक अराउंड विद अस और देखते रहिए हम कहाँ जा रहे हैं फिर एग्जैक्टली ओके अब तक तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा बट फिर भी आप देखिए सो वी आर बैक अगेन इन द कार निकल पड़े हैं हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग कर ली है कि किधर जाना है सो बेसिकली वी आर गोइंग टू अक्सा बीच राइट या इट्स एट मड आइलैंड इट्स एन मड आइलैंड एंड इट्स अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर वी स्टे इन अदेरी सो इट्स अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर वहाँ पे मैडम ने बोला है कि कहीं बहुत अच्छा फिश और राइस मिलता है अभी पता नहीं है एक्चुअली मैं बहुत दिनों पहले गई थी कुछ और मैं कभी गया दो नहीं। साल पहले शायद तो वहाँ पे तब हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में इट्स नॉट अ प्रॉपर रेस्टोरेंट एज सच बट जैसे लोकल हाँ होता है वैसे वहाँ पे खाया था फिश करी राइस तो अभी भी अगर वो रेस्टोरेंट या ढाबा जो भी है वो रहता है सो वी गोइंग टू दैट प्लेस वी आर होपिंग या बिकॉज इट वॉज रियली नाइस और अभिजीत को बहुत पसंद आएगा अगर होता है तो फिर से हम लोग फिश की तलाश में निकल पड़े हैं संडे को तो अभी हम जस्ट अभी हाईवे पकड़ने वाले हैं और संडे को भी यहाँ पे काफी आज पुलिस की चेकिंग चल रही है रस्तों में व्हिच इज गुड या एक्चुअली सो चलिए आपको दिखाते हैं आगे हम कौन से रूट से जाते हैं फिलहाल हमने अभी अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा हुआ है एंड आगे बस सीधा सीधा जाना है वी लेट यू नो व्हाट द रूट इज Certainly. So guys, अभी हम सीधा अदेरी ब्रिज हमने क्रॉस किया है और हम सीधा ही जा रहे हैं यहाँ पे बता रहा है 2.1 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट टर्न है ये आई मीन वी कैन गो स्ट्रेट ये रोड में भी हमें वेस्टर्न एक्सप्रेस वे सीधा भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे आगे थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है सो हम आगे 1.9 किलोमीटर अभी हो गया 1.9 किलोमीटर के बाद हम एक लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं चलिए जब आपको लेफ्ट टर्न लेंगे तब आपको हम दिखाएंगे सो अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी ट्रैफिक है ये जस्ट वेस्टर्न वाला जो हाईवे हाँ हाईवे राइट साइड पे अपना वेस्टर्न होटल है वेस्टर्न मलाड हाँ और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं जस्ट ऑपोजिट टू वेस्टर्न मलाड और ये महान सा गार्बेज वाला ट्रक ये लेफ्ट टर्न ले रहे हैं टू create more troubles for us but it's okay ये देखो बस बीच में खड़ा था इसलिए ये डॉक्टर अंबेडकर चौक है डॉक्टर अंबेडकर चौक से हम लेफ्ट ले रहे हैं okay now we go straight for around 1.3 kilometers and then we have to take a right so let's go straight उसके बाद हम आगे जाके मिलते हैं सो आगे से वहां से वहां हमने राइट टर्न लिया फिर आगे 200-300 meters जाके फिर से और एक देर सा लेफ्ट टर्न ट्रैफिक सरप्राइजिंगली संडे को भी काफी ट्रैफिक है सब निकल पड़ रहे हैं बिकॉज़ द वेदर इज सो नाइस इन बॉम्बे एग्जैक्टली सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट 9.2 किलोमीटर्स टू कवर चलिए आपको कुछ रास्ते में अच्छा दिखाना होगा तो हम दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग आगे कुछ होता है तो नहीं तो वहां पहुंच के फिर हम मिलते हैं और देखते हैं वो रेस्टोरेंट अभी तक जिंदा है कि नहीं सो गाइस वी आर राइट नाउ ऑन मरवे रोड ये रोड आप देख रहे हैं सारा ऑलरेडी थोड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी सा दिख रहा है एंड अभी हमें 1 किलोमीटर बाद लेफ्ट टर्न लेना है ये रोड टी पॉइंट पे आ जाता है उसके बाद हमें लेफ्ट टर्न लेना है एंड वी आर गोइंग टू रीच दैट रेस्टोरेंट और ढाबा और व्हाट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट द टाइम इज 2 o'clock right now, 2:15. So we took around about 1 hour में लग गए almost पहुँचने में. And destination जो है 3.7 kilometers यहाँ से है. Madh Island and look at the greenery around guys such a beautiful road I mean 1.2 kilometers bacha hua hai waise mein to the hotel resort or whatever it is but
Bombay technically. This is the place we have come and we have just parked the car over there. अभी हम अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं. So guys, we are here at the Darya Kinara restaurant at Madh Island and we've ordered our food, seafood, because this restaurant is special for its seafood, known for its seafood. पहले जब मैडम आई थी ये पूरा छोटा सा ढाबा था, अभी ये प्रॉपर रेस्टोरेंट बन गया. और मैं एक्चुअली पहचान भी नहीं पाई आके देख के कि इतना बदल गया है, बट दैट्स हाउ इट इज एंड दिस इज द फूड. सो लेट मी जस्ट शो यू. So that's the seafood that we've ordered, guys. This is rice, this is prawn curry, and this is pomfrey curry. So we have to taste karte hain khane ko, fir hum batate hain ki kaisa hai ye. Yummy, absolutely yummy. It looks to acha hai. Kha ke dekhte hain. Theek hai, chaliye. बहुत ही अच्छा खाना है. तो प्रॉन तो पॉम्फ्रे करी दैट आई एम हैविंग, इसमें थोड़ा सा कोकोनट फ्लेवर वाला माइल्ड स्पाइसी है. और मैडम जो खा रही है प्रॉन करी इज सुपर स्पाइसी जस्ट एज आई वांटेड. एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है. यू शुड डेफिनेटली, इफ यू आर कमिंग टू दिस साइड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट. इट्स नॉट एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड आल्सो, प्रीटी रीजनेबली प्राइस्ड. एंड just make sure of one thing, they don't accept cards, so you have to have cash. Just wanted to show you guys my plate. That's how much tasty the food was. Super. Guys, so अभी हम लोग आए हैं अक्सा बीच आफ्टर दैट यमी लंच. टोटली वर्थ इट. एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अक्सा बीच. ऑन माई राइट हैंड साइड हियर इज द रिजॉर्ट मड आइलैंड. आई जस्ट शो यू. सो दैट इज द रिजॉर्ट मड आइलैंड एंड हियर इज द वे टूवर्ड्स अक्सा बीच. आज संडे है इसलिए देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं. लॉट ऑफ कार्स. वी आर जस्ट एंटरिंग द अक्सा बीच राइट नाउ. आप देख सकते हैं. बताओ आपको कैसा लग रहा है? अमेजिंग. ओके, मैडम को अच्छा लग रहा है. मुझे ये पेड़ खाने का मन कर रहा है. क्या खाने का? पेड़ और इडली, कॉकोस बेरीज पेड़. ये देखिए मैडम इस चीज की बात कर रही थी. पहले चलते थोड़ा बीच घूमते हैं. ये देखिए वाटर स्कूटर्स भी है यहाँ पे. हाँ, ये बता दो. बट अभी मॉनसून में इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो ऑन वाटर स्कूटर बिकॉज़ द सी इज क्वाइट रफ. Yeah. That's the water scooter. And there are these shacks, like little small small shacks on the beach. आप आके यहाँ पे snacks खा सकते हैं. ज़्यादा कुछ खाने को मिलता नहीं है. भेल पूरी, corn and maggi. You have काला खट्टा. काला खट्टा. चार shops. All those kind of snacks. ये देखिए. काफ़ी अच्छा है ये एक दिन के पिकनिक के लिए. और थैंकफुली अभी बारिश नहीं हो रही है. इट्स लिटिल सनी सो इट्स नाइस ऑन द बीच. बेस्ट है कि यहाँ पे वेदर अच्छा है. Yeah, बारिश नहीं हो रही है. एक्चुअली टेकिंग अ बाथ बिकॉज़ देयर इज नो रॉक्स ऑन द बीच ओवर हियर. या इफ यू कैन सी क्लियर बीच. क्लियर बीच इट इज. सो वी आर द बीच. ये तो मैडम ने आपको 360 दिखा दिया. अच्छा मजा आ रहा है. Guys, look at
That's the beach over here. You can see that's the resort. And just look at this. It's so lucky that today it's not raining. It's bright and sunny. Actually, I'm enjoying it here. Full on Sunday, enjoy kar rahe hain. So few people are playing football, cricket also. You can see that. And look at that place. Guys, look at this. How cute is that? These are mini beach kits for children. So you can come with your children on Sunday and enjoy karne and buy them one of these kits and they're going to enjoy in the beach. This is so cute. Look at this lovely colorful shop. So guys, this is the shop of Bair. So you can see different kinds of inglis and Bair. And this is some local fruit. I don't know the name. Isko kya bolte hain? Star fruit. So all this you can have over here with masala. It tastes yummy. Humne Bair liya hai. Aap dekh sakte hain mere peeche yahan pe ek ambulance parked hai beach pe. So they are so nice, the local authorities over here. They've actually kept an ambulance also available, and I could also see some lifesavers on the beach. Wo sab bhi the. So it's fully secured in case if you're wondering ki ye safe hai ki nahi monsoons mein family ke saath aane ke liye. So they have all the required facilities that can be thought of. So really nice. Guys, हम निकल पड़े हैं अभी अक्सा बीच से घर की तरफ और भाई साहब क्या गर्मी हो गई अचानक से इतनी धूप निकल गई मॉनसून में. एनीवेज हमने थोड़ा बहुत एंजॉय कर ही लिया बीच पे जितना एंजॉय करना था और अभी बस निकल पड़े हैं वापस से वही सेम रूट से कि हम वापस जाएंगे. तो और सो बताइएगा ऐसे टाइप का व्लॉग आपको कैसा लगता है? हाँ, दिस वाज जस्ट अ वेरी शॉर्ट ड्राइव भी नहीं बोलेंगे. इट वाज जस्ट लाइक अ लंच डेट संडे लंच बेसिकली. हाँ, बस वही वन डे पिकनिक स्पॉट कुछ भी आप बोल लो. आप भी आइए अगर आप बॉम्बे के आसपास कहीं पे रहते हैं तो. आई एम श्योर यू वुड एंजॉय दिस प्लेस. और फिलहाल हम यहीं पे अभी आज का ब्लॉग एंड कर रहे हैं. होप यू रियली लाइक दिस शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग ऑफ आवर्स. एंड थैंक यू अगेन गाइस फॉर ऑल द लवली कमेंट्स दैट आर कमिंग. और प्लीज़ फॉलो मी अगेन ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. वहाँ पर हम लोग के रेगुलर डे टू डे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक. So Instagram my ID is Shaugata Mukherjee 24 and Facebook is stories with shaugata@gmail.com. So that's it. So on this note we would like to end this vlog. Thanks for all the support you guys have been showing to us. Yes. And that's it for now. Yes. So until next time, keep smiling, be happy and enjoy your weekend and the week ahead also. Bye bye.